सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए कई योजनाएं होती है। इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान के राजसमंद जिले के दरोड़ा गांव में दलित मेघवा समाज के लिए पीने की टंकी का निर्माण करवाया गया, परंतु 2 वर्ष हो गए परंतु आज तक ये टंकी चालू नहीं हो पाई, जिससे इसका लाभ दलित महिलाओं को नहीं हो पा रहा है। पानी की समस्या, एक हमारा टंकी बनी हुई है तो भी पानी नहीं आता है, उसमें दूर लेने आते हैं, 1 किलोमीटर दूर है, घाटी है वहाँ पे, तो चढ़ के जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वही दिक्कत है। अच्छा, कितने साल हो गए इस पानी की टंकी बने हुए आपके मोहल्ले में? 2 साल हो गए कम से कम। तो टंकी अब तक ये पूरी क्यों नहीं हो पाई? पता नहीं क्यों पूरी नहीं कर रहे। अच्छा बताइए कि जो आपके आसपास के जो एक एक हेडपम्प बना, वहाँ का पानी क्यों नहीं पीते हो आप लोग? यही का पानी क्यों पीते हो? वो तो वहाँ पे खारा पानी और आता ही नहीं है पानी। और यहाँ का पानी? यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, मीठा पानी है, इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ पे लेने आते हैं। जो आपके समय में जो पंचायत थी, उस समय में जो ये टंकी बनी थी पानी से, इसको मेघवाल बस्ती के लोगों को क्या फायदा हुआ और नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, मैं जब वार्ड पंच था, वार्ड नंबर 10 का, तो इस टंकी का कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन मैंने लोगों की समस्याओं को समझते हुए मैंने कई साल तक मैंने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी और जैसे तैसे करके और मैंने ये टंकी बनवाई। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में टंकी बनने के बाद में भी 1 साल तक इसमें पानी के लिए मैंने कहा या इसको बागेरी नाका से जोड़ो या किसी से भी जोड़ के एक बार इनको पानी की बहुत विकराल समस्या है इस मोहल्ले में। सरपंच द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आप सब लोग मिलके क्या क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी जल्दी से ये टंकी पूरी हो जाए, पानी आना चाहिए। देलोड़ा पंचायत में दलित मेघवा समाज के लिए 2 लाख की लागत से टंकी का निर्माण करवाया गया, परंतु महिलाओं के लिए टंकी से आज तक ये पानी चालू नहीं हो पाया। मैं हमारे ग्राम पंचायत सरपंच महोदय दिनेश पालीवार से निवेदन करता हूँ, जिनके नंबर है 029-53-289-080, कि इस बस्ती में पानी को की टंकी को चालू करवाया जाए, ताकि महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आने की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। मैं शंभुराज तवर देलोड़ा से, इंडिया अनट के लिए।